दृष्टा दृष्टा स्फुरति यदिदं प्राण दयिता न तच्चित्रं शौरे वसते अनुरागस्य विषमा जनानां यस्थानां गति अति दुरुहा मतिमतां तये मां मूर्छां इति सुवल वाचा स हसन। उस समय श्री सुवल कह रहे हैं, श्याम सुंदर सखा, जब जब भी तू राधिका का दर्शन करता है तब तब यही कहता है कि आहा ये कौन है, ये कौन है। सना दृष्टा, यद्यप श्री प्रिया का तूने सना दर्शन किया है। पूर्व श्लोक में क्या आए थे कि सखे केयम बाला, ये कौन बाला है अपूर्व जो मेरे चित्त को आकर्षित कर रही है। इसके उत्तर में कह रहे हैं कि सना दृष्टा अधिष्ठा स्फुरति, अरे सखा श्री राधिका का तू सदा दर्शन करता है, परंतु जब जब भी दर्शन करता है तब यो कहता है कि अधिष्ठा स्फुरति, जैसे तूने पहले कभी देखा ही नहीं है, आज पहली बार देख रहा है, ऐसा स्फुरित होता है तुझे। तो सदा दृष्टा भी अधिष्ठा स्फुरति, देखने पर भी अधिष्ठा श्री राधिका तुझे लगती है। यदियम प्राण दयिता, अरे ये तो वो ही तेरी प्राण दयिता है, प्राण प्यारी है, अपनी प्राण प्यारी को ही पूछ रहा है ये कौन है, ये तो तेरी ही प्राण प्यारी है। न तच्चित्रम, हे मित्र इस बात में कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि श्री राधिका का सना दर्शन करने पर भी तू उनको बिना देखी हुई पहली बार देख रहा है, ऐसा अनुभव करता है। इसमें न तच्चित्रम कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शौरे वसत अनुरागस्य विषमा गति, नीचे की लाइन में है गति, ये अनुराग की कोई विषम गति ही है, अनुराग का स्वरूप ही है। सदा देखने पर भी, सदा उपभोग करने पर भी वस्तु में नित्य नई नई नया नयापन प्रतीत होना। तो जनानाम यस्थानाम गति अति दुरुहा, ये अनुराग की विषम गति है। इस अनुराग में स्थित जो जन है, जो भी अनुराग की दशा में पहुंचे हुए हैं, उनमें ऐसी ही गति प्राप्त होती है। प्रेम का तात्पर्य है सर्वथा ध्वंस रहित होना, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्य पे प्रेम कारण है। जहां लोक भेद की मर्यादा विराजमान है और प्रेम को रोकना चाहते हैं, लोक भी रोकना चाहता है और समाज भी और वेद की आज्ञा भी रोकना चाहती है, पर फिर भी जो रुके नहीं, ध्वंस की स्थापना होने पर भी जो ध्वंस न हो, उसका नाम है प्रेम। वृक्ष का वो प्रेम ही अधिक गाढ़ होकर के स्नेह बनता है। स्नेह का तात्पर्य है चित्त की द्रवीभूत दशा। स्नेह ही कभी जब मिलन की सारी अनुकूलता होने पर भी मिलन न करने दे, उस स्थिति का नाम है मान। उस मान के भीतर प्रणय अर्थात विश्वास, प्यारा मुझे अवश्य अपनाएगा, यह भाव विराजमान होता है। तो ये भाव जहां पर होता है तो वो ही हो जाता है प्रणय। तो कभी मान से प्रणय और कभी प्रणय से मान, इनमें प्रणय मान जो उत्पन्न होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे के प्रति विश्वास, वो विश्वास के कारण जहां मान उदय होता है, ये तो मेरा है इससे मैं अटकूंगी, इससे मैं रूठूंगी, ये भावधार जहां पर विराजमान होता है वहां पर मान और भी अधिक वो प्रणय जन्य मान होता है। प्रणय के कारण मान उत्पन्न होता है। अब वो प्रणय जो है वो ही राग अवस्था को प्राप्त करता है। राग का तात्पर्य है कि जहां दुख हो जाए सुख और सुख हो जाए दुख, उसका नाम है राग। गृहणियों के लिए घर में रहना परम सुख की स्थिति है, परंतु इन ब्रजगोपिकाओं को घर में रुकना तो कष्ट हो जाए और वनवास, वन में निवास करना यह दुख की स्थिति है। वो दुख हो जाए सुख, सुख हो जाए दुख, दुख हो जाए सुख, तो उसका नाम है राग। राग ही और अधिक परिपाक को प्राप्त होता है। तो अनुराग, अनुराग का तात्पर्य है कि जहां निरंतर उपभोग करने पर भी वस्तु नित्य नवीन प्रतीत हो,
और अनुराग ही जहां पराकाष्ठा को प्राप्त होता है, वो पराकाष्ठा को प्राप्त होने पर सात जो छठी भूमिका है उसको प्राप्त होने पर वो ही कहीं भाव की स्थिति को प्राप्त करता है, उसको भाव कहते हैं। उसकी सातवीं जो भूमिका है वो ही महाभाव होकर के विराजमान है। भाव में अत्यंत अत्यंत उत्कटता प्राप्त होती है। तो अनुराग की जो पराकाष्ठा की स्थिति वो ही है भाव, और भाव की ही पराकाष्ठा की स्थिति महाभाव। तो उस महाभाव दशा के भीतर जितनी भी दशाएं हैं वे सब दशाओं के अनुभव अपने आप आ जाती हैं। तो प्रेम वृद्धि क्रम है, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। प्रेम ही वृद्धि को प्राप्त करके स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव दशा को प्राप्त करके विराजमान हो जाता है। तो सोल यही कह रहे हैं कि जो जनानाम या स्थानानाम जो अनुराग की दशा में स्थित होते हैं, ऐसे मनुष्यों की यही गति होती है, ये विषमा गति होती है कि वे सदा उपभोग की गई वस्तु को भी नित्य नूतन करके मानते हैं। इसलिए हे सखा, यदि तुम ऐसा मान रहे हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो गति अति दुरूहा मतिमताम, जो बुद्धिमान है उनकी भी दशा है। इसलिए तये इमाम मां मूर्छाम, इस मूर्छा को तुम धारण मत करो, त्यज माने इस मूर्छा को तुम त्याग कर दो। इमाम मूर्छा, इमाम मूर्छाम त्यज, इस मूर्छा का तुम त्याग कर दो, मूर्छित मत हो मत हो। सवल वाचा सहसन, अब ये पहले निरूपण कराए थे कि प्रिया जी को और लाल जी को दोनों को सखा और सखी मूर्छित नहीं होने देना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि रस का उल्लास और मूर्छा हो जाएंगे तो रस उस दिन की उतनी देर के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, लीला अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए सुवल कह रहे हैं सखा मूर्छित होने का समय नहीं है। ऐसा जब सुवल से कहा, सुवल ने कहा तो सहसन आह, श्याम सुंदर अब उत्तर दे रहे हैं। दोबारा के श्रवण कर लें कृपया कि सदा दृष्टास अदृष्टास प्रति, हे मित्र श्री राधिका का तुम सदा दर्शन करते हो परंतु राधिका बिना देखी हुई सी ही स्फुरित होती हैं। ये तुम्हारी ही प्राण दयिता है, प्राणों की प्यारी है। न तत्चित्रम, ऐसा जो हो रहा है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे शौर्य, हे कृष्ण, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये शौर्य कहने का मतलब ये है कि इस समय जैसे युद्ध में प्रवृत्त कराना है इसलिए तदनुरूप संबोधन दिया जा रहा है। ओ क्षत्रिय जाति, तुम महा बलवान जाति हो, इस समय कभी कायरता धारण करने की जरूरत नहीं है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वसते अनुराग से विषमा गति ही, ये अनुराग की विषम गति है जिसमें स्थित व्यक्ति ऐसा ही होता है। दुरुहा मतमताम, ये गति बुद्धिमानों के लिए भी इस गति से पार होना ये दुरूह है। इसलिए तेजे इमाम मूर्छाम, इमाम मूर्छाम, इस मूर्छा को तुम त्याग कर दो। तेज इमाम मूर्छाम, इस मूर्छा को त्याग कर दो। सुवल बाचा, ऐसे सुवल के वचन को सुनकर के श्री कृष्ण हंसते हुए कह रहे हैं कि अहो राधा गाधा गुण समुदय भूरि मुदय ध्रुवम धात्रा चित्रौषधि इह कृते मम कृते नवा किंबा रम्या मल कल रवा मंजिल गति ही सुखेरम खेलंती विलसति सखे कल्प लतिका। उल्हे मित्र आहा अहो राधा, अरे ये तो श्री राधिका ही हैं, ये तो राधा ही हैं। अगाधा गुण समुदाय, जिनके गुण समुदाय, गुणों के समुदाय माने समूह, गुणों के समूह को अगाध माने कोई पार नहीं पा सकता, जिनके गुणों का कोई पार नहीं पा सकता, ये तो वो ही राधा है। अहो राधा अगाधा गुण समुदाय, हे मित्र ये वे ही राधा हैं जो अगाध गुणों के समूह से युक्त हैं। गुणों का समुदाय माने समूह,
अगाध है, उनका पार नहीं पाया जा सकता है। भूर मुदय, और जिनका प्रत्येक क्षण अत्यंत अत्यंत उदय हो रहा है, भूर उदय, जिनका उदय, जिनके गुणों का उदय प्रत्येक क्षण अतिशय हो रहा है। ध्रुवम धात्रा चित्र औषधि यह कृते मम कृते, निस्संदेह धात्रा माने विधाता ने चित्र औषधि यह कृते ये मेरे लिए कोई विचित्र औषधि ही रचना कर दी है। ये राधिका नहीं है, मेरे लिए मानो विधाता ने कोई अद्भुत औषधि की ही रचना कर दी है। जगत की रचना करने वाली है, इनकी रचना कौन सा विधाता करेगा, परंतु यहाँ पर लीला शक्ति विधाता है। ये लीला में जब भी कहती हैं, मनुष्य लीला में ऐसा कहते हैं कि विधाता ने श्री राधिका की रचना की, तो यहाँ पर विधाता कोई होगा नहीं, कोई विधाता की सृष्टि तो राधा रानी है नहीं, परंतु विधाता का तात्पर्य यहाँ लीला शक्ति है। लीला शक्ति ने ही एक जो स्वरूप था वही लीला के लिए सदा दो होकर के, आश्रय विषय होकर के, राधा कृष्ण होकर के, विधाता ने ही एक रस तत्व को ही आश्रय विषय दो रूपों में आस्वादनीय बनाया, अन्यथा वो आस्वादनीय नहीं होता। तो विधाता ने मेरे लिए ही ये विचित्र औषधि की रचना की है। ध्रुवम धात्रा, निस्संदेह धात्रा माने विधाता के द्वारा चित्र औषधि यह कृता, यहां पर यह औषधि बनाई गई है मम कृते मेरे लिए। सुखेलम खेलंती, आज श्री राधिका सुंदर खेल खेलती हुई विराजमान हो रही हैं। बिल सकति सखे नवा किंबा रम्या अमल कल रवा मंजुल गति ही। अरे नवा किंबा अथवा ये कोई अद्भुत कल्प लता है, कल्प लतिका, नवा किंबा अथवा ये रम्या, और नीचे की पंक्ति में आया है कल्प लतिका, ये कोई अपूर्व कल्प लता है जो के अमल गति वाली है। अमल कलरवा, जहां पर सुंदर कलरव हो रहे हैं, अर्थात श्री राधिका कोकिल कंठी होकर के विराजमान हैं, जिनके आभूषण अपूर्व रूप से शिंजन कर रहे हैं, स्वर कर रहे हैं, जहां रोम रोम जैसे कृष्ण के मधुर गुणानुवाद का गायन कर रहा है। तो अमल कलरवा, जिनमें अमल कलरव हो रहे हैं, वो कलरव आभूषणों के भी कलरव हैं और कंठ भी कलरव होकर के विराजमान, ऐसी ये कल्प लता है। मंजुल गति, अब लता हिलती नहीं है, स्थावर होती है, परंतु ये ऐसी लता है जो मंजुल गति, मंजुल गति वाली ये लता है, जो कि सुखेलम खेलंती बिलसती, सुंदर खेल करती हुई बिलसित तो हो रही है, कहीं ये कोई कल्पलता तो नहीं। तो अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि विधाता ने मेरे लिए कोई औषधि बनाई है कि ये कोई कल्पलता ही है जो कि चल रही है, चलती फिरती कल्पलता ही है। इसी का नाम है संदेह अलंकार, जहां पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, इल्यूजन हो जाए, वहां पर होता है भ्रांतिमान अलंकार। जहां पर भ्रम हो परंतु निर्णय न हो, वहां पर होता है संदेह अलंकार। तो ये संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान नहीं है। तो ये मेरे लिए कोई औषधि विधाता ने बनाई है, अथवा ये चलती फिरती कोई लता है, ये कौन सी वस्तु है अभी निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए संदेह अलंकार का ही बड़ा सुंदर प्रयोग है। और अलग अलग श्री राधिका का जो प्रभाव श्याम सुंदर के ऊपर है, उसके कारण श्री श्याम सुंदर, श्री मदन मोहन श्री राधिका को उसी रूप में दर्शन कर रहे हैं। दोबारा सुने, अहो राधा अगाध गुण समुदयी भूरि मुदयी, कि अहो ये राधा हैं जो अगाध गुणों के समुदय माने समूह से उदित हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। ध्रुवम धात्रा, निस्संदेह, ध्रुव माने निस्संदेह,
निसंदेह विधाता ने मेरे लिए चित्र औषधि करते हम मम करते मेरे लिए कोई औषधि ही बनाई है। नवा किंबा अथवा ऐसा नहीं है, ऐसा भी लगता है कि रम्या अमल कलरवा, रम्य अमल कलरव करती हुई मंजुल गति ही, मंजुल गति वाली ये श्री राधिका कोई कल्प लता ही है। सुखेलम खेलंती बिलसती, जो खेल खेलती हुई बिलसित हो रही है। हे सखे, आज मैं इन राधिका का दर्शन कर रहा हूं जो मेरे हृदय को आनंदित करने वाली अपूर्व कोई दिव्य औषधि होकर के, रसायन होकर के विराजमान है, और जो कल्पलता के समान, ऐसी कल्पलता के, अद्भुत कल्पलता के समान जो कि विचरण कर रही है उसके समान विराजमान। रसायन उसे कहते हैं जो रोग को दूर करे, शरीर को पुष्ट करे और मीठी भी हो, सुस्वादु भी हो, तीनों गुण जिसमें हो उसका नाम रसायन। नहीं तो रोग को दूर करे और कड़वी हो, ऐसा भी हो सकता है, परंतु उसको रसायन नहीं कहेंगे। रसायन वो है जो कि रोग को दूर भी करे और मीठी भी हो और साथ के साथ में आरोग्य को भी प्रदान करे, तीनों गुण विद्यमान हो, ऐसी कोई अपूर्व ये औषधि मेरे लिए बनाई गई है। आगे कह रहे हैं, मुरल्याहम राधाम सतत में गायाम विपने। इस वृंदावन विपिन में मैं अपनी मुरली में राधा राधा का ही सदा गायन करता हूं, मैं अपनी मुरली में श्री राधिका का गायन करता हूं। ये वे ही राधिका मेरे सामने आज भाग्य से मेरे सामने आ गई। सदा राधा ध्यायामि अति पुलकित स्तंभित तनु, अत्यंत पुलकित होकर के मैं श्री राधिका का ही गायन करता हूं। स्तंभित तनु हूं, मेरा शरीर भी स्तंभित हो जाता है, मेरा शरीर भी स्थिर हो जाता है। मैं सदा राधिका का ही गायन करता हूँ, पुलकित शरीर होकर के, स्तंभित तनु होकर के, स्तब्ध होकर के मैं राधिका का गायन करता हूँ। अहो राधा नामनी श्रुति पथि मिते नैव कलयामि, आहा राधा ये नाम भी यदि कहीं कोई प्रसंग मात्र में भी कोई कह दे कि अरे देख ये सूर्य की आराधिका गोपियां आ रही हैं, ये सूर्य की आराधिका शब्द कहां है राधिका, ऐसा कहने लग जाए। किसी सखी ने कहा आराधिका आ रही है और आराधिका कहते ही श्याम सुंदर राधिका नाम इसकी ध्वनि को सुनकर के एकदम आश्चर्यचकित हो जाए। ये कभी कोई कहे कि श्याम सुंदर मैं ऐसी कौन सी अपराधिका हो गई, श्याम सुंदर कह रही है नहीं तू अपराधिका नहीं है, तू तो सराधिका है, राधिका से युक्त है। ऐसे कहीं प्रसंगानुसार अपराधिका, सराधिका, आराधिका इन नामों को भी सुन करके राधिका नाम कहीं आ जाए तो इतने में ही श्री श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत उत्सुक होकर के विराजमान हो जाते हैं। तो अहो राधा नामनी श्रुति पथ मिथे नैव कलयामि, कान में राधिका नाम आने पर नैव कलयामि फिर मैं नहीं देखता हूं कि कोवा किंबा क्वचन करणीयम। कल्पलता है कि ये कोई औषधि है, ये कौन है कि आनंद ही मूर्तिमान होकर के यहाँ पर विराजमान हो रहा है, सुंदर ही मूर्तिमान होकर के विराजमान है, विधाता की कोई अपूर्व कृति है, ऐसा किंबा ये क्या है। क्वचन करणीयम कृतम अपि, मुझे क्या करना है, किस काम को करने के लिए मैं निकला हूं, क्या काम मैंने कर लिया है, इन सबको भूल जाता हूं। मैं कौन हूं, ये कौन है, मेरा क्या जीवन का लक्ष्य है, क्या काम मैंने कर लिया है, कितना बाकी है, ये सब राधिका नाम कान में आते ही मैं संपट चूक जाता हूं, भूल जाता, सब भूल जाता। तो अहो राधा नाम निश्रुति पथ मिथे नैव कलयामि, अहो को वा किंबा क्वचन करणीयम कृतम।
मैं भूल जाता हूं, मैं मुरली में सदा राधा राधा सतत मन निरंतर इस गाया में विपन्न गायन करता हूं, सदा राधिका का ही हृदय में ध्यान करता हूं और उनसे अति पुलकित रोमांचित होकर के कभी विराजमान होता हूं और कभी स्तंभित तनु हूं, कभी मैं स्तब्ध हो जाता हूं, स्टड हो जाता हूं, स्तंभित हो जाता हूं। आहा श्री राधिका नाम इनके कान में आते ही मैं अपने आप को नहीं पहचानता हूं, मैं किस कार्य के लिए निकला हूं, क्या मैंने मेरा करनी है, क्या मैंने कर लिया है, क्या मैं कर रहा हूं, इन सब कार्यों को भी मैं नहीं जानता। अनुप्रास अलंकार तो है ही, परंतु जो स्वभाव के अलंकार उसका यहां पर विराजमान किया, ये प्रयोग किया जा रहा है। मम स्वान्ते तावत विदधत मुदम गोप बंदिता। श्री प्रिया जी होली की पिचकारी चला रही है आकाश में और होली को प्रारंभ कर रही हैं, और श्री श्याम सुंदर ने बंशी बजा दी है और फिर श्री प्रिया की रूप माधुरी का दर्शन करके श्याम सुंदर विमोहित हो रहे हैं और विमोहित होते हुए स्वल से कह रहे हैं, प्रिय स्वल से कि मम स्वान्ते तावत विदधत मुदम गोप बनता। हे मित्र, अन्य जितनी भी गोपीमत बनता है वे गोपांगनाएं गोपियां मेरे हृदय में तब तक ही केवल मोद प्रदान करती हैं। मम स्वान्ते मेरे हृदय में तावत विदधति मुदम तब तक ही मोद प्रदान करती हैं ये गोप बनताएं। न यावत राधे हम स्मृति पथि मिता प्राण दयिता। जब तक प्राण प्यारी श्री राधिका मेरी स्मृति में नहीं आती है, श्री राधिका की स्मृति आने पर मैं सबको भूल जाता हूं, परंतु राधिका के सामने किसी दूसरी युथेश्वरी की स्मृति मुझे नहीं होती। ये राधिका प्रेम की विशेषता है, उसी का संकेत कर रहे हैं कि अन्य गोप बनता मेरे हृदय में तब तक ही आती हैं, न यावत राधे हम स्मृति पथ मिथा, जब तक कि ये राधिका मेरे स्मृति पथ में नहीं इता माने प्राप्त हुई। गतौ धातु है, अर्थात ये राधिका मेरी स्मृति पथ में जब तक नहीं आती है तब तक मुझे अन्य गोपियों की याद रहती है, अन्य युथेश्वरियों की याद रहती है, राधिका के साथ में किसी दूसरी युथेश्वरी की याद नहीं रहती। शपे तुभ्यम, भैया झूठ नहीं कह रहा हूं, तेरी सौगंध खाकर की कह रहा हूं। जहां पर अपनी बात को विश्वास को स्थापित करना हो तो और कोई साधन नहीं हो, उस समय अंत में आकर के प्रमाण नहीं है और किसी बात को प्रमाणित करना है तो प्रमाण के अभाव में प्रमाणित करने के लिए फिर व्यक्ति सौगंध खाने लगता है। तो कह रहे हैं भैया मैं अपने हृदय को कैसे खोल के तेरे सामने रख दूं, तेरी सौगंध खा करके कहता हूं, तो कितना प्यारा है, तेरी सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, श्री राधिका के हृदय में आने पर किसी दूसरे का मुझे दूसरी युधिष्ठिरी जितनी भी है उनका मुझे स्मरण नहीं रहता है। हे मित्र शपे तुभ्यम, मैं तेरी सौगंध खाता हूं। वृंदा विपिनम, वृंदावन से बढ़कर के कोई प्यारी वस्तु हो नहीं सकती है, इस रज की सौगंध खा करके कहता हूं। रज की सौगंध खा करके कहता हूं, श्री वृंदावन की सौगंध जो प्यारी से प्यारी वस्तु है उसकी सौगंध खाई जाती है। तो श्री तू मेरा परम प्यारा है, ये वृंदावन की रज परम प्यारी है, इस वृंदावन की सौगंध खा करके कहता हूं। अखिलम गो सखी कुलम, सारी गायों की जितने भी सखागण है उन सबों की सौगंध खा करके कहता हूं। बिना राधे जाने विषम विष काला नल निभम, श्री राधिका के बिना मुझे ये सारा जगत यह विषम विष काल कालकूट विष के समान मुझे लगता है। तो विषम विष काल अनल निभम, ये मुझे काल अग्नि कालकूट विष इन जैसा श्री राधिका के बिना मुझे लगता है। उपमा अलंकार का प्रयोग है, ये सारा जगत मुझे विष जैसा लगता है, काल अग्नि के समान लगता है।
तो मेरे हृदय में जब तक श्री राधिका नहीं है तब तक अन्य गोपवंताएं मुझे आनंद प्रदान करती हैं। श्री राधिका मेरी प्राण प्रिया जब मेरे हृदय में आती है उस समय फिर किसी दूसरे की स्मृति नहीं रहती। हे मित्र, तेरी सौगंध खा करके, वृंदा विपिन की सौगंध खा करके, गायों की, सारे सखाओं की सौगंध खा करके मैं कहता हूं कि बिना राधिका के मुझे सारी प्रिय वस्तुएं या तो कालकूट विष लगते हैं या कालकूट काल अग्नि के समान, प्रलय अग्नि के समान प्रतीत होती हैं, दुखदायी प्रतीत होती है, कष्टकर प्रतीत होती है। अहो माधुर्यं किं त्रिजगते विचित्यैव विधिना ध्रुवं वा राधाक्षा विदध इह मज्जीवित मिदम् सखे किं वा प्रेम ब्रजकुलवधूनां समुदितम् क्षितिधृत्या सद्यो विकलयति मां मोहन रुचि। यद्यपि माम मोहन रुचि, मुझे सब लोग कहते हैं कि मैं बड़ा मोहन हूं, आत्माराम गणों के चित्त को भी आकर्षित करने वाला हूं, मुझे सब लोग मोहन रुचि त्रिजगत को आकर्षित करने वाला कहते हैं, परंतु अहो माधुर्यम किम त्रिजगत विचित्यै विविधना, राधिका के माधुर्य का वर्णन मैं क्या करूं। जगन मोहन कृष्ण तार मोहिनी, अतः शास्त्र कहे राधा ठाकुरानी, जगन मोहन जो कृष्ण है उनको भी मोहित करने वाली वे राधिका ठाकुरानी है। इसलिए अरे सखा, मैं यद्यपि जगन मोहन हूं परंतु जगन मोहन होते हुए भी श्री राधिका मेरे चित्त को भी आकर्षित कर लेती हैं। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन अन्यथा विश्व मोहोपि स्वयं मदन मोहिता। जब तक राधिका के संग में है तब तक तो वे मदन मोहन है, परंतु श्री राधिका तो दूर हो जाए तो वे स्वयं भी मदन से मोहित हो जाती है। मदन को मोहित करने वाली, मदन माने कामदेव, कामदेव का तात्पर्य है प्रेम, ब्रज में प्रेम है, प्रेम का नाम ही है काम, तो मदन शब्द का अर्थ हुआ राधिका, उनको मोहित करने वाले हैं, परंतु राधिका नहीं है तो मदन से मोहित हो जाएंगे, स्वयं विरह से मोहित हो जाएंगे। तो राधा संगे, श्री राधिका के संग में जो विराजमान है, राधिका ही मदन है, मदन बराबर काम, मदन और काम ब्रज में प्रेम के लिए, प्रेम के लिए ही मदन शब्द का प्रयोग होता है, तो प्रेम स्वरूप श्री राधिका उनको मोहित करने के कारण दोनों दोनों के लिए मदन मोहन है, प्रिया के लिए लाल जी, लाल जी के लिए प्रिया जी, दोनों एक दूसरे के लिए मदन मोहन है, परंतु श्री राधिका यदि सामने नहीं है तो श्री श्याम सुंदर स्वयं विरह से मोहित हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि आहा, ये अद्भुत कोई वस्तु है जो विराजमान है। अहो माधुर्यम किम त्रिजगति विचित्यैव विधिना, मालूम होता है जगत का जितना भी माधुर्य है उस सब का ब्रह्मा ने ढेर लगा दिया, सबको इकट्ठा कर लिया, विचित्यैव उसको चुन लिया, उसका ढेर लगा लिया, और ढेर लगा करके उसको मत करके उसमें से सार रूप में जो वस्तु आई उससे श्री राधिका को गल दिया। अहो माधुर्यम किम त्रिजगति विचित्यैव विधना, प्रेम रूपी लीला रूपी विधाता ने माधुर्य त्रिजगत में जितना भी है उसको विचित्य माने एकत्रित करके ध्रुवम राधाक्षा विदधत् मत जीवन मिदम, राधिका नाम से मेरे प्राणों की रचना कर दी, उस माधुर्य से श्री राधिका नाम से मेरे प्राणों की रक्षा कर दी है विधाता ने। मत जीवत मिदम, मेरा प्राण रूप, जीवित माने प्राण, मेरी प्राण रूप श्री राधिका को विदधे माने श्री ब्रह्मा ने बना दिया है। सखे किंबा प्रेम ब्रज कुल बधु नाम समुदितम, अथवा ऐसा लगता है कि ब्रज की जितनी भी कुल बधु हैं उनका प्रेम ही एक जगह उदित हो गया है, इकट्ठा होकर के
सबके हृदय में बिखरा हुआ जो प्रेम है, वो प्रेम ही एक जगह इकट्ठा होकर के श्री राधिका में विराजमान हो गया है। खितम धृत्या सद्यो विकल विकलयति, आहा समुदितम क्षितम, एक जगह ही रक्षित हो गया है। धृत्या सद्यो विकलयति माम मोहन रुचिम, आहा ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप मुझको भी मोहित करने वाला होकर के विराजमान है। आज मेरे सारे धैर्य को क्षितम माने नष्ट करते हुए, क्षितम धृत्या ये सारे मेरे धैर्य को समाप्त करते हुए इस पृथ्वी के ऊपर ये मोहन रुचि जो प्रेम है, ये मैं जगत को मोहित करने वाला हूं, परंतु ये प्रेम यहां पर मुझे भी विकल विकल करते हुए विराजमान हो रहा है। तो गोपियों का जितना भी प्रेम पृथ्वी के ऊपर है, वो ही मानो शरीर धारण करके यहां पर एक जगह प्रकट है और उसके द्वारा मैं भी मोहित हो रहा हूं। सखे किंबा प्रेम ब्रजकुल वधू नाम समुदितम, गोपियों का जितना भी प्रेम है वो समुदित माने एकत्रित होकर के क्षितम धृत्या सद्यः, वह एक जगह क्षितम माने रक्षित कर दिया गया है। धृत्या विगलयति, इसका दर्शन करके मेरा धैर्य विगलित हो जाता है। मां मोहनोचिन, मैं जगत को मोहित करने वाला परंतु मैं भी मोहित हो रहा हूं। दोबारा सुन के अहो माधुर्यम किम त्रि जगति विचित्यैव विधना, आहा ये कैसा अद्भुत माधुर्य है। विधाता ने त्रि जगत में जितना भी माधुर्य है उस सबको एकत्रित करके उस माधुर्य के द्वारा ही ध्रुवम वा राधाक्षा विदधे, आज राधिका नामक उस माधुर्य की रचना कर दी है। श्री अंग का सहज जो सुगठन, सुगठित श्री अंग, उसका गठन का नाम ही है रूप। वह जब वस्त्र श्रृंगार आभूषण धारण करके विराजमान होता है, अलंकरण के द्वारा विराजमान होता है, तो उसका नाम है शोभा। उस शोभा में भी यदि आकर्षण करने का और कृपा करने का भाव विराजमान हो तो उसी का नाम है भाव। वो भाव से युक्त होकर के विराजमान हो तो अधिक मनोहर हो जाता है, उसका नाम है भाव। वो भाव ही कहीं अत्यंत शोभा युक्त होकर के चेष्टाओं में भी प्रकट हो, चेष्टाओं के माध्यम से, तो वही हो जाता है हेला। और जहां हेला किसी भी देश और किसी भी काल उनमें परम मधुर हो, देश काल की परवाह न करते हुए प्रत्येक देश प्रत्येक काल और प्रत्येक पात्र के लिए जो मधुरमय होकर के विराजमान हो, तो उसका नाम है माधुर्य। तो रूप, शोभा, भाव, हेला या कांति, और कांति के बाद में माधुर्य, ये अपूर्व रूप से विराजमान। तो हे मित्र, ये अपूर्व कोई माधुर्य, अहो माधुर्यम किम त्रिजगत विचित्यैव विधना, विधाता ने इस माधुर्य को त्रिजगत में एकत्रित करके एक स्थान पर श्री राधिका की रचना कर दी। और ये ध्यान रखना है कि श्री राधिका विधाता की सृष्टि तो है नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि तो है नहीं, यहाँ विधना का तात्पर्य है लीला शक्ति। जहां भी श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि ईश्वर हमको मिलाता है, ईश्वर दूर कर देता है, अब उद्धव के साथ में पत्र श्याम सुंदर ने भेजा, कुरुक्षेत्र में मिले, उस समय मिले, और श्याम कह रहे हैं गोपियों ईश्वर जीव को मिलाता है, अलग कर देता है। यहाँ पर कोई पूछे कि ईश्वर कहां से आ गया, तुम ही तो ईश्वर हो, फिर किसी ईश्वर की बात कर रहे हो, तो ईश्वर का तात्पर्य लीला शक्ति। तो ये लीला शक्ति ही यहाँ पर ईश्वर होकर के विराजमान है, और कोई दूसरी वस्तु ईश्वर नहीं है। ब्रज लीला में जहां ईश्वर आए वहां पर लीला शक्ति ही ईश्वर होकर के विराजमान। तो अहो माध, तो विधाता ने माने प्रेम ने, लीला शक्ति ने सारे माधुर्य को एकत्रित करके निस्संदेह श्री राधा नामक इस माधुर्य की, मेरे जीवन की,
यहाँ रक्षा कर दी है। ये अतिशयोक्ति मम जीवित मिदम, श्री राधिका ही मेरा जीवन है, ये अतिशयोक्ति परम प्यारी है, उनको जीवित जीवन ही कहकर के निरूपण कर दिया है कि विधाता ने उसको ये हाइपरबोल जो अतिशयोक्ति है वो अतिशयोक्ति राधिका मेरे जीवन रूप में ही विधाता ने मानो मूर्तमान करके रचना कर दी है। सखे किम्बा प्रेम ब्रज कुल बधु नाम समुदितम, ब्रज की जितनी भी कुल बधु हैं उन सबों का संपूर्ण प्रेम एक जगह समुदितम एकत्रित हो गया है, और क्षितम वह श्री राधिका में ही रक्षित हो गया है। धृतिया सद्यो विकलयति, यह प्रेम मुझे धैर्य से विकल कर देता है, जबकि मैं कैसा हूं मोहन रुचिन, कहते हैं कि मैं सबके चित्त को आकर्षित करता हूं, ऐसे जगन मोहन कृष्ण मुझको भी मोहित करने वाले ये श्री राधिका हैं, और राधिका के संग में जब मैं विराजमान हूं तब तो मैं मदन मोहन हूं, अन्यथा मैं स्वयं मदन से मोहित होकर के विरह में मोहित होकर के ही विराजमान हो जाता। इति प्रोचोन्मादि वितत विनयो नंद तनया, ऐसा कहकर के उन्मादी वे श्री श्याम सुंदर, श्याम सुंदर प्रेम का उन्माद आ रहा, पागलपन के झोंका आ रहे हैं। तो ये उन्मादी जो श्याम सुंदर हैं, वितत विनय, ये वितत विनय जिनका विनय सर्वत्र प्रकट हो रहा है, श्री राधिका के सामने अपने प्रेम को जो ईमानदारी के साथ में प्रकट करते हुए विराजमान है, वे नंद तनय रसास्वादी बलिहारी। एक एक विशेषण श्याम सुंदर के बिल्कुल व्यक्तित्व को, श्याम सुंदर का जो स्वरूप है उसको प्रकट कर देने वाले, कि उन्मादी वितत विनय, जो विनय को वितत माने विस्तृत करने वाले हैं, विशेष रूप से विस्तार करने वाले, वितंत माने विस्तृत करने वाले है, तनु विस्तार धातु है, तो वितत विनय है, श्री प्रिया जी के आगे जो विनय प्रकट कर रहे हैं वे नंद तनय रसास्वादी, राधा कलन जनतानंद जलधि, श्री राधिका का कलन माने दर्शन करके जनित आनंद जलधि, जिनका आनंद रूपी समुद्र उछाल खा रहा है, ज्वार खा ले रहा है, जैसे चंद्रमा का दर्शन करके समुद्र में ज्वार आए, ऐसे ही यहाँ पर जनित आनंद जलधि, श्याम सुंदर के हृदय में आनंद का जो जलधि है, जलधि माने समुद्र, वह आनंद का समुद्र वह कहीं ज्वाल ले रहा है, वह उफन रहा है। तो राधा कलन राधिका का दर्शन करके जनित आनंद जलधि, जिनका आनंद समुद्र उछाल ले रहा है, ततो घूर्णन निपद्रमम अवलंबे, ऐसा कहते हुए श्री श्याम सुंदर घूर्णन, श्याम सुंदर को घुमेड़ आ गई। और संयोग की बात यह है कि पास में ही कोई कमल तमाल का वृक्ष है, उस तमाल वृक्ष का सहारा लेकर के टिक गए हैं, तो नीप वृक्ष जो है, ये नीप वृक्ष उनका सहारा लेकर के श्री श्याम सुंदर तमाल वृक्ष का सहारा लेकर के आप टिक गए हैं। इति घूर्णन, ऐसा घूमेड़ खाते हुए, एक विशेषता और है कि श्री श्याम सुंदर मानो चौड़े में भी खड़े हैं, और उस समय भी यदि घूर्णा उद्घूर्णा आए तो वहां पर तुरंत ही कल्प वृक्ष खड़ा हो जाए। ये पता नहीं लगा कि मेरे लिए खड़ा हुआ है, लीला में खड़ा हो जाएगा, सारी ऐश्वर्य शक्ति तुरंत विराजमान है, परंतु प्रियालाल को पता नहीं लगता है, वर्षा ऋतु में घूम रहे हैं और एकाएक वर्षा आ गई, चलो 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 कुंज में चले, तो कुंज के लिए ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, एक कदम चलेंगे सुई कुंज प्रकट हो जाएगी। ये लीला के अधीन यहाँ श्री वृंदावन सर्वदा सेवा करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। तो नीपद्रुम जो अपूर्व कदम का जो वृक्ष है उसका सहारा लेकर के नीपर कदम तमाल दे नीपर कदम, तो कदम वृक्ष का सहारा लेकर के श्री श्याम सुंदर खड़े हो गए हैं, जिसमें छोटे फला फूल आए उसका नाम है नीप, जिसमें बड़े फूल आए उसका नाम है कदम,
ये कदम की दो जाती है, नीप और कदम, तो वो विराजमान हो गए। विकल धी, विकल बुद्धि होकर के, और जहारायाम चेतः सपद विश्वानो कुल मणि, और विश्वानो के कुल की मणि रूप श्री विश्वान नंदिनी उनके चित्त को श्री श्याम सुंदर ने इस प्रकार जहारो चुरा लिया है, चुरा लिया है। श्री राधिका के चित्त को चुराते हुए विराजमान हुए हैं। इति प्रोचे, ऐसा कहकर के उन्मत्त होकर के विकत विनय श्री राधिका के प्रति विनीत होते हुए नंद तनय रस का आस्वादन लेने वाले और श्री राधिका का जनक का दर्शन करके जिनके हृदय समुद्र में उछाल आ रहा है, ऐसे में श्री कृष्ण उद्घूर्णा दशा को प्राप्त करते हुए किसी कदम्ब वृक्ष उनका सहारा लेकर के विराजमान हो गए हैं। विकल धी, वे उनकी बुद्धि विकल हो रही है, व्याकुल बुद्धि वाले हो रहे हैं, और श्री कृष्ण का ऐसा विमोहित होना श्री राधिका के चित्त को बरबस आकर्षित कर लेने वाला है। जहार अयम चेतः, उन कृष्ण ने श्री राधिका के चित्त को चुरा लिया। सपदि माने तुरंत ही, ब्रजभानु कुलमणि, ब्रजभानु की कुलमणि श्री राधिका के चित्त को हरण कर लिया है। गोप श्री कुल्लम पटो पिसहरि, श्री राधा कल श्री राधिका लोकनाथ ईसत उत्कल का कुलह पुलकित खिन्नोश्र भूतानन प्रीत्या नूतन बल्लरीश लभते तावन मिलिंदो मुदम यावत कल्प लता गतम परिमलम बिंदेत नैवामलम। उस समय श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि गोपस्त्री कुल लंप टोपी, ये श्री श्याम सुंदर गोपस्त्री गण जो है उनके समूह के परम लंपट, लंपट माने रसिक, लंपट का मतलब है आसक्त, गोपस्त्री कुल में परम परम आसक्त होकर के विराजमान है। गोपस्त्री कुल लंपटोपी स हरि, ये हरि श्री राधिका लोकनाथ ईशत उत्कुल का कुल, श्री राधिका का दर्शन करके ईशत उत्कुल का उत्कल का कुल, ईशत श्री कृष्ण के हृदय में उत्कल का माने अभिलाषाएं उत्पन्न हो गई। उत्कल का वल्लभी रूप गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है, उत्कल का माने अभिलाषा, अभिलाषाओं को प्रकट करने वाली, नई बौरों को लाने वाली जो हृदय रूपी लता, उसका नाम है उत्कल का वल्लरी। हृदय हो गया एक वल्लरी और उसमें उत्कल का माने नए फूल खिल रहे, वही उत्कल का वल्लरी। तो आसित उत्कल का कुल, उत्कल का से आकुल हृदय वाले होकर के, उत्कंठाओं से युक्त हृदय वाले होकर के श्री श्याम सुंदर पुलकित, पुलकित हो रहे हैं, और खिन्न, कभी खिन्न हो रहे हैं और कभी अश्रु धौतानन, उनका मुख आंसुओं से धुल रहा है। तो कभी अत्यंत उत्कंठा में नैराश्य उत्पन्न हो जाए तो खिन्न हो जाए, कभी विरह की प्राप्ति होने पर आंसू आ जाए, और कभी प्यारी मिलेंगी इस आशा में पुलकित होकर के विराजमान हो रहे हैं। उत्कलका से युक्त होकर के, उत्कंठा से युक्त होकर के विराजमान है। प्रीत्या नूतन बल्लरीश लभते तावन मिलिंदो मुदम, मिलिंद माने एक भौरा, तब तक ही अन्य अन्य जितनी भी लताएं हैं उन नूतन बल्लरीशु नई लताओं में एक मिलिंद माने एक भौरा तब तक ही उत्सुक होता है, आनंद को प्राप्त करता है, जब तक उसे कल्प लता का परिमल प्राप्त नहीं होता। अन्य नई लताओं में एक भोरा तब तक ही आनंदित होता है जब तक कि उसे कल्प लता का माधुर्य परिमल प्राप्त नहीं होता। ऐसे श्री राधिका की सौगंध जब तक श्री नासिका में श्याम सुंदर के विराजमान नहीं होती, तब तक तो अन्य नायिकाओं के प्रेम की ओर श्याम सुंदर आकर्षित होते हैं, अन्यथा श्री श्याम सुंदर आकर्षित नहीं होते हैं। जहां पर
बिंब प्रतिबिंब भाव से किसी वस्तु को स्थापित किया जाए उसका नाम होता है दृष्टांत। जहां बिंब प्रतिबिंब भाव नहीं है, केवल समानता दिखाई जाए, वहां पर होता है उपमा अलंकार। और जहां बिंब प्रतिबिंब भाव से किसी वस्तु को प्रस्तुत किया जाए, एक फिगर है उसका रिफ्लेक्शन है, इस भाव से जहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव से किसी वस्तु को प्रस्तुत किया जाए वहां पर होता है दृष्टांत। यहां पर दृष्टांत अलंकार है। श्री श्याम सुंदर आप अपूर्ण रूप से आनंदित होकर के विराजमान हो रहे हैं। श्याम सुंदर की दशा कैसी है उसके लिए दृष्टांत देते हैं कि भोरा अन्य लताओं में तब तक आसक्त होता है जब तक कि कल्प लता की सुगंध उसको नहीं मिलती है। कल्प लता की सुगंध मिले तो अन्य लताओं की ओर आकर्षित नहीं होता है। इसी प्रकार श्री राधिका के सम्मुख किसी अन्य प्रिया की ओर श्याम सुंदर का आकर्षण नहीं है, राधिका में ही श्री श्याम सुंदर का एकमात्र आकर्षण है। ऐसे ये बिंब प्रतिबिंब भाव से दृष्टांत द्वारा उसी बात को, पहले जो बात कही गई उसी को दृष्टांत के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई। कहीं दृष्टांत कहीं प्रतिवस्तु उपमा भी हो सकता है। प्रतिवस्तु उपमा शास्या वाक्य और गम्य साम्य हो एको भी धर्म सामान्य यत्र निर्दिष्यते पृथक। प्रतिवस्तु उपमा वहां होती है जहां पर एक ही सामान्य धर्म का दो अलग अलग वाक्यों में वर्णन किया जाए, तो दृष्टांत भी है प्रतिवस्तु उपमा भी, दोनों में से कोई भी अलंकार यहाँ पर बिरा है। तो यावत् कल्पलतागतं परमलं बिन्देत नैवामलं, जब तक कल्पलता के सुगंध को वह प्राप्त नहीं करता है तब तक भौरा किसी दूसरी में आकर्षित होता है। विघूर्णंतम कृष्णम रसकलित कृष्णम बत बपुः समाकृष्यो वाचः स्फुटम अमल नर्मोक्ति नर्मोन्नति पटुः सखे शंके पंके रोह नयन कंपेन बलितो हरे भीतो राधा बल विपुल बाधा समुदया। विघूर्णंदन कृष्ण, श्री कृष्ण जिस समय विघूर्णा प्राप्त कर रहे हैं, कृष्ण को घुमेड़ आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, उनको विघूर्णा दशा को प्राप्त करते हुए चक्कर आते हुए श्री कृष्ण जो एकदम बिबिल्डेड और वो चक्कर जो आ रहे हैं उसका जब दर्शन कर रहे हैं तो उसका दर्शन करके रसकलित सृष्णम, कृष्ण कैसे हैं एक दूसरा विशेषण रसकलित सृष्णम, रस के कारण जिनके हृदय में तृष्णा उत्पन्न हो रही, रस के कारण कलित तृष्णम जिनकी तृष्णा बढ़ गई है, विघूर्णंतम जो उद्घूर्णा दशा को मूर्छा दशा को घुमेड़ खा रहे हैं उस दशा को प्राप्त हो रहे हैं और रस से कलित तृष्णा वाले हैं। बपुहु समाकृष्य मधुमंगल में ऐसे श्री कृष्ण को उस समय संभाला समाकृष्य और अपने हृदय से लगा करके छाती से लगा करके श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कृष्ण भैया डरे मत मैं हूं ना तेरे पास इन गोपियों से तू डर रहा है इसे डरने की जरूरत नहीं है, घबरा भी मत भैया मैं तेरे पास में हूँ घबरा भी मत, क्यों घबरा रहा था। तो विघूर्णंतम कृष्णम बटु समाकृष्य उनको छाती से लगा करके उवाच स्फुट अमल नर्मोन्नति पटु जो अमल नर्म माने परिहास, उस परिहास को उठाने में परिहास की उन्नति करने में बड़ा पटु है बड़ा चतुर है ऐसा मधुमंगल श्याम सुंदर को अपने हृदय से लगा करके कह रहा है कि सखे शंके मैं पहचान गया तू भय में भयभीत हो रहा है क्योंकि तो ये जितने भी लक्षण हैं बिल्कुल भय के लक्षण हैं। ये जो लक्षण हैं ये बस भय के ही लक्षण हैं, ये कांपना और तेरे आंसू आ गए हैं और जो उद्घूर्णा आ रही है ये सब तेरे तू हतोत्साहित हो रहा है भयभीत हो रहा है इसका ही ये लक्षण है। लक्षण तो दोनों में एक से है, चाहे प्रेम का प्रेम की मूर्छा के लक्षण हो चाहे भय के लक्षण हो, तो मधुमंगल प्रयास करने में बड़ा कुशल है तो प्रयास करते हुए कह रहे हैं कि सखे शंके पंके रूह नयन कंपेन बलिता, आज पंके रूह माने इन कमल नयनाओं के कमल शरीर के नेत्र वाली इन सुंदरियों के
का दर्शन करके पंके रूह नयन कंपेन बलता है, उनसे तू प्रभावित होकर के शंके, मुझे शंका होती है कि हरे भी तो, अरे हरि तू भयभीत हो रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। राधा बल विपुल धाराम धारा समुदया, आज श्री राधिका के बल की विपुल बाधा उत्पन्न हो गई है। राधिका के समूह को देख करके, गोपियों के हाथ में बड़ी बड़ी पिचकारी देख करके तू भयभीत हो रहा है। उन राधिका के भय के कारण ही, भय का उदय होने के कारण ही हरे भीप तू भयभीत हो रहा है। दोबारा सुनने कि विभू नंदम कृष्णम, कृष्ण को जब घुमेर खाते हुए देखा उस समय रसकलित कृष्णम, जिनकी रस के कारण तृष्णा बढ़ गई है, ऐसे श्री कृष्ण को बत बटपुहु समाकृष्यो, निसंदेह उस मधुमंगल ने समाकृष्य माने अपने हृदय से लगाया और उवाचो कहने लगा, ये मधुमंगल स्फुटम अमल नर्मो नत पटुहु, स्पष्ट रूप से परिहास करने में बड़ा चतुर है। कह रहा है हे सखे शंके, मैं पहचान गया, शंका कर रहा हूं कि पंके रूह नयन कंपेनो, इन कमल शरीर के नेत्र वाली सुंदरियों के द्वारा तेरे हृदय में कंप हो रहा है, और उस कंपेन बलता कंप से युक्त होकर के हे हरि तू भयभीत है। राधा बल विपुल बाधा, राधा का इतना विशाल गोपियों का समूह देख करके, उस सेना को देख करके तेरे हृदय में बाधा उत्पन्न हो रही है, डर उत्पन्न हो रहा है, उस बाधा का उदय होने के कारण ही तू कंपित हो रहा है, कांप रहा है। ततो ज्ञातम ज्ञातम नचित मुरल का नाप बसनम, जान गया कि भयभीत होने के कारण न तेरे हाथ में मुरली इस समय टिक रही है, मुरली से गिर रही है, उसे संभाल, तू मुरली को भी नहीं पकड़े हुए है। नाप बसनम, अपने वस्त्रों का तुझे होश नहीं है। नवा माम जानी से, मुझे भी नहीं पहचान रहा है। पर तो नो सहचरम, हमारे सहचरों को भी नहीं पहचान रहा है। बटो माम आलोक्य प्रबल महसम, अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैं बटू हूं ना ब्राह्मण, मेरे मुझ ब्राह्मण का दर्शन करके प्रबल महसम, जिसका महस्मा महामान तेज, जिसका तेज ब्रह्म तेज बड़ा भारी है, मुझ ब्राह्मण को देख करके साहसम महम तेजा शंकाम शंकाम आसाम अभिमुख अभितस्पम चल सके, मुझे देख करके प्रबल महसम मैं कितना तेज युक्त हूं, साहस महम मेरे पास में साहस का ही महामान्य तेज है, मैं कितना बलवान कितना साहसी हूं, मुझ साहसी प्रबल तेज वाले मुझे देख, और मुझे देख करके तेजा शंकाम अब सारी आशंका छोड़ दे छोड़ दे। अभिमुखम इतस्पम चल सके, हे सके चल इन गोपियों के आगे अपन चलते हैं, और गोपियों के आगे जाकर के ही अपन खड़े होंगे, ऐसा कह रहे हैं। ततो ज्ञातम ज्ञातम, जान गया कि तू भयभीत बहुत ज्यादा है, इसलिए मुरल का नाप वसनम, न मुरली को संभाल रहा है, न वस्त्र को संभाल रहा है। नवा जानी से सपद पर तो नो सहचरान, हम सहचरों को भी चारों ओर से घिरा हुआ नहीं जान रहा है। बटुम मामलोक्यो, अरे मेरी ओर देख, मैं कितना बलवान हूं, मेरा कुछ तो हिम्मत, मेरी हिम्मत तुझ में भी आ जाए, मेरी तरफ देखेगा तो तुझ में भी कुछ हिम्मत आ जाएगी, मेरी तरफ देख प्रबल महासम, मैं कितना तेज से युक्त हूं, साहस महम मैं साहस के तेज से युक्त हूं, तेज आशंका आसाम तेज आशंका, तू आशंका का त्याग कर दे, आसाम तेज आशंकाम आसाम, इन गोपियों के जो आशंका है उसका त्याग कर दे, और हम गोपियों के सामने ही चलते हैं, हे सखे चल चल अपन चलते।
ऐसे जब कहा तो बटो आकर्णेयम, बटो आकर्णेयाम इमाम गिर मथो बताहो ज्वल अहो। बटु के इन वचनों को सुनकर के उस समय उज्ज्वल नाम करके श्यामचंद्र की जो सखा हैं वे बोले, बोले भैया ये मधुमंगल की बात में आना मत, ये अपने भाई को तेरे ऊपर आरोपित कर रहा है, खुद डर रहा है और खुद की तो बिल्कुल हवा निकली जा रही है और ये तुझे बहादुरी दिखा रहा है, अपने भाई को ये तेरे ऊपर ही आरोपित कर रहा है। तो बटो आकर्ण्य ब्राह्मण के वचन को सुनकर के इयम इमाम गिरम मधुमंगल की इस वाणी को सुनकर के बत आह उज्ज्वल आह, उस समय उज्ज्वल नाम करके सखा बोले कि रहो लीला लीलाली ललित मत ही, जो कि एकांत लीला का दर्शन करने में जिसकी बुद्धि लालित मती है, चंचल बुद्धि वाली है, अर्थात श्री उज्ज्वल प्रिय नर्म सखा, ये भी श्री श्याम सुंदर की प्रिया जी के साथ में अपूर्व जो एकांत रह लीला, एकांत लीला, उस एकांत लीला का और होरी लीला का दर्शन करना चाहता है। तो रहो लीलाली, एकांत की लीला आली माने समूह, लीलाओं के समूह का लालित मति ही, उस लीला को ही अपने बुद्धि में धारण किए हुए है, उस लीला का दर्शन करने वाला है। अमंद स्मित मुखः, श्री उज्ज्वल कैसे हैं, अमंद मुस्कान वाले हैं, तो जो अमंद मुस्कान वाले हैं श्री प्रिया लाल की एकांत लीला उसको ही अपने हृदय में धारण करके जिनकी बुद्धि युक्त होकर के विराजमान है, उस लीला का चिंतन कर रही है, वे कह रहे हैं कि अयम पश्यस्वयम तव सिरसि विन्यस्यति भयम्, बोले इस मधुमंगल की बात में मत आना, ये स्वस्य विन्यस्यति भयम्, अपने भय को हे सखा ये तेरे ऊपर आरोपित कर रहा है, ये अयम पश्यस्वयम ये अपने भय को ही तेरे ऊपर आरोपित कर रहा है। सही है, जो दूध का जला हुआ है वो छाछ को भी फूक फूक करके पीता है, क्योंकि नहीं ग्राम्य तक्रम पिबति पयसोष्णेन चकितः, जो पैसा उष्णेन चकितः, गर्म दूध से जिसकी जीभ जल गई है वो छाछ को भी फूक फूक करके पीता है। तो पसे ये नहीं ग्राम्य, जो ग्राम्य व्यक्ति है, भोला भाला व्यक्ति है, वह तक्रम पेवती वो छाछ को भी फूक दे दे करके पीता है, क्योंकि पैसा उष्णेन चकिता है, वह गर्म दूध से जला हुआ है, तो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक करके पीता है, ये ही यहाँ पर दिख रहा है। ये मधुमंगल अपने भय को तेरे ऊपर आक्रम स्थापित कर रहा है और कह रहा है तू चल तू चल, हम गोपियों के आगे जा रहे हैं और स्वयं भीतर ही भीतर डर रहा है, इसको अपने साथ में मत रखना, इसको तो बिल्कुल पीछे ही रखना, अपने सामने रखेगा तो बिल्कुल गड़बड़ कर देगा, युद्ध में तो कायर व्यक्ति को अपने साथ में रखना ही नहीं चाहिए, इस मधुमंगल को अपने साथ में मत रखना। बोले क्या सुंदर और वो जो मुहावरा है प्रोवर्ब, उसका कितना सुंदर प्रयोग कर रहे हैं आप, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक करके पी रहा है। तो बटो आकर्णी आकर्णी इयम इमाम, आज बटू के इन वचनों को सुनकर के, बटो आकर्णी इमाम बटू के इन वचनों को सुनकर के, गिर माने वचन को, बत आह उज्ज्वल अहो, उज्ज्वल ने कहा कि अहो रहो लीला, उज्ज्वल कैसे हैं, जो एकांत लीला से लालित मती हैं, उत्कंठित मती वाले हैं और अमंद स्मित मुखः मुस्करा रहे हैं, ऐसे उज्ज्वल बोले कि
अयम पश्यस्वीयम तब श्रसी विन्यस्यति भयम्। यह अपने हृदय के भय को तेरे ऊपर आरोपित कर रहा है, क्योंकि जो भोला भाला ग्राम्य व्यक्ति है वह दूध से जलने पर छाछ को भी थूक करके पीता है। ये प्रतिवस्तुपमा अलंकार है, जहां पर ये अर्थांतर विन्यास अलंकार है, जहां पर सामान्य के द्वारा विशेष और विशेष के द्वारा सामान्य, पहले विशेष के द्वारा सामान्य का यहाँ स्थापन किया जा रहा। जो स्पेसिफिक जो दृष्टांत है, एग्जाम्पल है, उसके उसको जनरल बना करके जहां प्रस्तुत किया जाए वहां पर अर्थांतर विन्यास अलंकार होता है। विशेष को सामान्य बना करके प्रस्तुत किया जाए वो अर्थांतर अलंकार। इमम पश्चात रक्षो, हे मित्र मैं कह रहा हूं इस मधुमंगल को युद्ध में आगे मत रखना, इसको पीछे रखना। अखिल वयसाम भूसुरवणम, संपूर्ण सखाओं के बिल्कुल पीछे इसको रखना, इस ब्राह्मण को। ग्रहण किंबा पूर्णम नय विनयशालीन ब्रजपते, अथवा इसको तो घर भेज दे, यहां से ये युद्ध में इसका टायर का क्या कर, ये ब्राह्मण ब्राह्मण ये युद्ध बुद्ध करने वाले नहीं है, क्षत्रिय युद्ध करने वाली तो हम गोप जाति हैं, गोप जाति बड़ी प्रसिद्ध रही है, तो युद्ध करने में तो ये गोप जाति वो ही प्रसिद्ध होकर के, ये ब्राह्मणों का काम नहीं है ये युद्ध करना, इसको तो घर भेज दे। नचेत आभ्यो भीते, कहीं ऐसा न हो कि इसको भयभीत देख करके द्रुतम अपसरे स्वनीति मतव, ये जब भयभीत होकर के घर की तरफ भागे उस समय वयम सर्वे नूनम कथम हे दधामो हृदयतिम, एक को भाग भागदौड़ करते हुए देख करके दूसरा भी कमजोर हो जाता है, हम भी धैर्य धारण नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसे व्यक्ति को पास में रखने की जरूरत ही नहीं है। नचेत माने नहीं तो, आभ्यो भीते दुर्तम आप सुनते, आभ्यो माने ये जो गोपी हैं जिनके हाथ में लटकियां हैं, फूल छड़ी हैं, पिचकारी हैं, इनको देख करके ये मधुमंगल जब भयभीत होकर के भागेगा उस समय द्रुतम अपसरते, भयभीत होने पर सुन्नति मतव, ये जब व्याकुल बुद्धि होकर के भयभीत बुद्धि सुन्न बुद्धि होकर के विराजमान होगा, तब वयम सर्वे नूतम कथमेह दधामो हृदय, हम कैसे धैर्य धारण कर सकेंगे, इसलिए इसको पास में रखने की जरूरत नहीं है, इसको पहले ही घर से घर विदा कर। अये ज्ञातम सत्यम यदि मधुयुता गोप बंधिता वितानम निर्मायो प्रचुर पटवास ही अरुणितम नितान्तम बदनीयु पुनरपि बटुम गोकुल विधो विधस्याम स्तजिस्त्वय किम जिते भूरि विकला। हे मित्र, इस सखा को कहीं आगे रखा और ये कहीं भागने लगा तो भागते हुए को तो गोपियां दोबारा पकड़ लेंगे, इसको तो दोबारा पकड़ लेंगे, उस समय हम लोगों की बड़ी बुरी दशा हो जाएगी। तो अरे ज्ञातम, अरे जान गया सत्यम यदि मधुयुता गोप बनता है, ये गोपी हो रही में हुरियार हो रही है, इस समय मदमत तो हो रही है गोपी, इनका वेग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इनका मोराल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, युद्ध में तो मोराल काम करता है, तो इनका जो उत्साह है वो उत्साह अत्यंत अत्यंत बढ़ा हुआ है। अये ज्ञातम सत्यम, सत्य रूप में हम जान गई कि यदि मधुयुता गोप बनता, ये गोप बनता है मद से युक्त है, बिताने निर्मायो प्रचुर पटवास ही अरुणितम, देख ये किस तरह से बितानम निर्मायो, कैसे गुलाल फेंक फेंक करके गुलाल का ही चंदोवा ऊपर बना रही हैं, आच्छादन हमारे ऊपर बना रही है, बितान बना रही हैं, प्रचुर पटवासी, पटवास मान गुलाल, गुलाल के द्वारा अरुणितम लाल चंदोवा ये गोपी मतमाती होकर के बना रही हैं, क्योंकि जब सेना अत्यंत उल्लास में होती है तो जैसे सैनिक
अपनी टोपी उछाल उछाल करके फेंकते हैं आनंद में अपनी विजय मनाने के लिए। इसी तरह से ये भी गोपियां अपने हाथ की गुलाल उछाल उछाल करके वितान बना रही है। तो वितान हम निर्मायो प्रचुर पटवास ही अरुणितम, ये पटवास के द्वारा लाल वितान बना रही हैं। नितांतम बदनीयु निसंदेह देखना, ये दोबारा इस कायर ब्राह्मण को बांध लेंगी इस डरपोक बटु को वे दोबारा बांधेगी। प्रचुर बदनीयु पुनरपि बटुम गोकुल विधो, हे गोकुल चंद्र विधास्यामस्तरी त्वयि किम जीते, जब तू जीत लिया जाएगा तब भूर विकला, हम तो विकल हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे। राजा के जीत लाने पर एक एक का पराजय होने पर ये फिर तुझे भी जीत लेंगे और तेरे जीत जाने पर फिर हाय हम क्या करेंगे क्या करेंगे, पहले से ही पता लग रहा है क्या दशा है इनके। एक तो गोपी होगा यूस वो तो बिल्कुल आनंद में उल्लास में, मोराल उनका तो एकदम बढ़ा हुआ है और इनकी तो पिलपिली दशा पहले ही दिख रही है। अपने भाई को किसी दूसरे के ऊपर आरोपित कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, इनकी दशा पहले ही पता लग रही है, दिख रहे हैं लक्षण क्या होने वाले हैं आगे। तो कि मुझे तो भूरी बिकला, इनके जीत जाने पर फिर हम क्या करेंगे। अये ज्ञातम, ये जान लिया सत्यम, यदि मदयुता गोपवंता, यदि मद से युक्त ये गोपियां वितानम निर्मायो, जो कि इस समय गुलाल उछाल उछाल करके वितान की रचना कर रही हैं, नितांतम बदनी हूं पुनः इस ब्राह्मण को दोबारा बांध लेंगी। हे गोकुल विधि, गोकुल के चंद्रमा, गोकुल विधो, गोकुल के हे चंद्र, विधास्यामस्तर ही त्वयि किम जीते, और यदि इन्होंने तुमको भी जीत लिया तो उस समय हम क्या करेंगे क्या करेंगे। जगाधायम क्वायम किमत कलियन कोप बलितम कृतम केना लीकम के तब तब नामोज्वल इति। उस समय मधुमंगल बोला, जगाधायम मधुमंगल बोले, मेरे साथ में ऐसा कह रहा है मेरे प्रति, किमत कलियन कोप बलितम, उज्ज्वल के ऊपर कुछ क्रोध दिखाते हुए, किमत कलतम क्रोध बलतम, कुछ क्रोध को दिखाते हुए मधुमंगल उस समय बोले कि कृतम केना अलीकम कितब तब नामोज्वल इति, अरे किसने तेरा नाम उज्ज्वल रख दिया अलीकम झूठा नाम, किसने तेरा ये झूठा नाम उज्ज्वल रख दिया है। कृतम केन अलीकम कितब, अरे छलिया किसने तेरा नाम ये उज्ज्वल रख दिया है। लपंतम कृष्णस्य प्रणय नयतो माम हितमपि, मैं तो अपने मित्र कृष्ण के साथ में प्रणय नये तो प्रेम और नीति के अनुसार हित की बात कह रहा हूं, मैं तो कृष्ण के साथ में हित की बात कह रहा हूं। पान तो द्रुतम कुर्वन नूनम सपत मलनो सी कलना, पान तो तू द्रुतम कुर्वन नूनम, तू मेरे हित की बात को द्रुत कर रहा है, मेरी हित की बात को तू पहुंचता हुआ दुर्तम कुर्वन, उस बात को मैं पोंछा लगाते हुए उसका उसको लीपते हुए समाप्त करते हुए तू सपद मलनो सी कलना, निसंदेह तू कलयुग से कलह से मलिन है। कौन किसने तेरा नाम उज्जवल रख दिया, तू तो उज्जवल नहीं है, तू तो मलिन है, तू उज्जवल नहीं है बल्कि तू मलिन होकर के विराजमान है। तो जगा रहे मधुमंगल बोले, कायम किमत कलियन कोप बलतम, अपने कायम माने शरीर को किमत कलतम क्रोध बलतम, क्रोध से युक्त सा दिखाते हुए कुछ क्रोध से धारण करते हुए अपने शरीर को क्रोध से कलित कलियन दिखाते हुए कोप बलित दिखाते हुए कह रहे हैं कि किसने इसका नाम उज्ज्वल रख दिया है, कृतम केन अलीकम कितब तब नाम, तेरा नाम किसने रख दिया है।
लपंतम कृष्ण से प्रणय नये तो माम हितमपि, मैं तो कृष्ण के साथ में हित की बात प्रेम से युक्त होकर के कर रहा था, परंतु द्रुतम कुर्वन नूनम, परंतु तू द्रुतम कुर्वन मेरी बात को यहाँ पहुंचते हुए स्थित हो रहा है। सपद मलनोसी ही कलना, जान गया तेरा नाम उज्जवल नहीं होना चाहिए, तेरा नाम तो मलिन होना चाहिए। कथयति भटो एवं त्वेवं बृजेन्द्र सुतानने, ऐसे श्री श्याम सुंदर तो इधर सखाओं के साथ में बातचीत कर रहे हैं, उधर प्रेम में उल्लास में डूबी हुई श्री प्रिया जी ने उस समय मलयज रसहा सांद्रम राधा करांबुज गंधिता, श्री प्रिया जी ने अपने हाथ में सुंदर चंदन की एक गेंद ली, चंदन की जो कीच, उस चंदन की कीच से युक्त एक गेंद, उसको चंदन की गेंद को हाथ में लेकर के गाढ़ा चंदन लेकर के और निशान लगा करके लाल जी के ऊपर फेंका है श्याम सुंदर के। और उस समय श्री श्याम सुंदर की जो अपूर्व शोभा चंदन की छीट जो उड़ी है वो श्री श्याम सुंदर के मुख के ऊपर शोभित हो रही है। श्याम सुभगतन शोभित छीटे नीकी लागी चंदन की, मंडित सुरंग अबीर कुंकुमा और रस बंदन की, श्याम सुभग संशोभित छीटे नीली लागी चंदन की। तो श्री प्रिया जी ने उस समय मलयज रसा सांद्रम, गाढ़ा जो मलयज रस चंदन का रस है उसको लेकर के, चंदन की गेंद को लेकर के राधा करामुज गंधिता, और श्री प्रिया जी के श्रीहस्त में वो चंदन लिया है, तो प्रिया जी के श्रीहस्त की कमल गंध, कमलनी नायिका है, पद्मनी नायिका है, इनके श्री हस्त की कमल गंध वो भी उस चंदन में बस गई है, और उस चंदन की गेंद को जिस समय उछाल करके लाल जी के ऊपर फेंका है उस समय प्रिया के अंग की गंध से युक्त चंदन की छींटे श्याम सुंदर के मुख के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही हैं। हो कह करके उस समय होली जो है अशिप्रिया जी ने होली प्रारंभ कर दी, चंदन की गेंद लाल जी के ऊपर फेंक दी है। विदधत अमिन्दानंदम, उस समय सब सखियों को विदधत अमंद आनंदम, अमंद आनंद प्रदान किया, और मंदम पपातो, और वो चंदन का रस मंदम पपातो धीरे से छिटक करके श्री श्याम सुंदर के ऊपर बिखर करके वो चंदन का रस गिरा है लाल जी के ऊपर। कुल बला परिषदि दधौ श्रुत्यो मोदम, और उस समय श्री राधिका के पक्षी की जितनी भी सखी हैं वे सब हो रही है ऐसा कहकर के उल्लास करती हुई विराजमान हो रही हैं। तो कुल अबला परिषदि, कुल रमणी गणों के परिषद में उस समय दधौ श्रुत्यो मोदम, उनके कान को आनंद प्रदान करने वाला जो स्वर है वो स्वर उस समय उठा है। हरे नव काकली, श्री हरि जो हैं उनकी, उनके भी कान में मोद को प्रदान करते हुए सखियों ने जो बोला वो श्री हरे श्रुत्यो मोदन विदधा, वो श्री श्याम सुंदर के कान में अपूर्व आनंद प्रदान करने वाला वो गोपियों का वो स्वर उठा है। नव काकली, और श्री प्रियांग की जो कंठ ध्वनि, क्या बात, काकली वो कोयल के समान मीठी जो बोली है, हो ये जो मीठी बोली है वो मीठी बोली श्री श्याम सुंदर के कान में अत्यंत मीठे रूप में प्रवेश कर गई है। कथयति भटो एवं मधुमंगल के ऐसा कहने पर त्वेवं बृजेन्द्र सुतानने, श्री श्याम सुंदर तो ऐसे मधुमंगल से बातचीत में लगे हुए हैं, और बातचीत में लगे होने पर बृजेन्द्र सुतानने, श्री बृजेन्द्र सुत श्याम सुंदर उनके मुक्के ऊपर मलयज रस सांद्रम, एक कॉन्सेंट्रेट जो चंदन का पेस्ट है सांद्र मलयज रस,
जो गाढ़ा चंदन का जो रस है, वो चंदन का रस राधा करामुज गंधिता है, जिसमें श्री राधिका के श्री हस्त की गंध भी जिसमें बसी हुई है, वो ओडर भी उसमें विराजमान है श्री हस्त की, ऐसी गंध से युक्त वो चंदन उस समय श्री श्याम सुंदर के मुख के ऊपर पड़ा है। तो विदधत अमितानंदम मंदम पपात, वो धीरे से गिरा और श्री श्याम सुंदर को अपूर्व आनंद प्रणाम कर रहा है। ये होली का तो लीला ही ऐसी कि जो रंग डाले उसको भी आनंद, जो भीगे उसको और भी ज्यादा। ये तो रस की रीति ऐसी अद्भुत है कि यहाँ डालने वाले को भी आनंद और भीगने वाले को भी और भी ज्यादा आनंद। तो सखी भी आनंदित हो रही है और श्याम सुंदर भीग रहे हैं, उनको भी आनंद की प्राप्ति हो रही है। और पुल वाला परिषद उस समय उन पुल रमणियों की परिषद में जो अपूर्व आनंद उठा वह हरे श्रुत्यो मोदन दधौ, श्री श्याम सुंदर के कानों को अपूर्व मोद प्रदान करते हुए विराजमान हुआ श्री श्याम सुंदर ने नव काकनी, इन गोपियों के कंठ से उठने वाली परम मीठी जो हो ये जो स्वर है, उस काकनी को श्री श्याम सुंदर ने सुना और अपूर्व से आनंदित हो रहे हैं। इस प्रकार श्री मधुकेलवल्ली में श्री गोविंद जय का उद्यम श्री किशोरी जी की ओर से किया गया, तो गोविंद जय उद्यम नामक ये द्वितीय पल्लव यहाँ पूरा हुआ। बोलो श्री लाली लाल की जय, होली के रसिया की जय, राधानी की जय, ऐसे आनंदित हो रहे हैं। श्री प्रिया जी की एक रूप माधुरी का श्री गिरधर जी का पद है, गाड़ी का पद है और गोरी मत गाड़ी ये विशेष है, गाड़ी का पद। काजर बारी गोरी ग्वार, काजर बारी गोरी ग्वार, या सांवरिया की लगवार, या सांवरिया की लगवार, लगवार मन आ सक, काजर बारी गोरी ग्वार, काजर बारी गोरी ग्वार, निश दिन रहत प्रेम रस भीनी, निश दिन रहत प्रेम रस भीनी, हरि रसिया सो याने यारी की, हरि रसिया सो यारी निश दिन रहत प्रेम रस भीनी, निश दिन रहत प्रेम रस भीनी, हरि रसिया सो याने यारी कीनी, हरि रसिया सो याने यारी कीनी, मदन गोपाल जान रिझबार, मदन गोपाल जान रिझबार, नाना विधि के करत सिंगार, नाना विधि के करत सिंगार, काजर बारी गोरी ग्वार, काजर बारी गोरी ग्वार, मिलन काज रहे अंग अंगोछे, मिलन काज रहे
आत्मा को स्नान करके और सुवासित करके मिलन काज रहे, मिलने के लिए अंग अंगोचे, अंगों को अंगोच करके पहुंच करके रहते, मिलन काज रहे अंग अंगोचे, मिलन काज रहे अंग अंगोचे, सरस सुगंधनि तेल तिलोचे, सरस सुगंधनि तेल तिलोचे, अंजन नाहि भटूय दिए, अंजन नाहि भटूय, अंजन नहीं है, अंजन काय का है, बोल श्याम रंग ने मन में लिए, श्याम रंग ने काजर बारी गोरी ग्वार, काजर बारी गोरी ग्वार, क्या सांवरिया की लगबार, या सांवरिया की लगबार, गायन कु यशु मति गह आवे, गायन कु यशु मति गह आवे, यशोदा जी के घर में नृत्य गायन करने के लिए आए, श्याम सुंदर के गुण का गायन करें, यशोदा जी बैठा करके, अरे राधा मुझे सुना, ये श्याम सुंदर के गुणों को सुना, गायन कु रस यशु मति ग्रह आवे, गायन कु यशु मति ग्रह आवे, कृष्ण चरित्र ही गाय सुनावे, कृष्ण चरित्र ही गाय सुनावे, सुंदर श्याम सुने ढिंग आय, सुंदर श्याम सुने ढिंग आय, चितवत चितवत ही रह जाय, चितवत चितवत ही रह जाय, काजर वारी गोरी राम राय प्रभु यो समझावे, राम राय प्रभु यो समझावे, भगवान तू नीके गावे, भगवान तू नीके गावे, लख घन श्याम कियो निर्धार, लख घन श्याम, श्याम सुंदर ने निर्धारण कर लिया, लख घन श्याम कियो निर्धार, लख घन श्याम कियो निर्धार, यह लगवार वो लगवार, उनके आ सकते हैं, वो उनके आ सकते हैं, ये घनश्याम कवि है, उनके छाप है, घनश्याम जी कह रहे हैं कि ये निर्धारण किया है कि वो लगवार है, वो उनके आ सकते हैं, वो उनके उनके लगन जो है वो एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की, इन दोनों की लगन लगी, यह लगवार वह लगवार, यह लगवार वह लगवार, काजर बारी गोरी ग्वार, काजर बारी गोरी ग्वार, या सांवरिया की लगवार, या सांवरिया की लगवार, तो
राधा रानी की जय। आज के आनंद की जय। होली महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे गोविंद। जय जय गोपाल जय गोविंद। जय जय गोपाल जय श्री राम हरि गोविंद। जय जय श्री राम।